स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैफोडिल्स पोएम, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम का टाइटल पहले आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड था, जो कि इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन है, लेकिन बाद में इसे स्कॉलर्स के द्वारा चेंज करके डैफोडिल्स कर दिया गया, क्योंकि इस लाइन यानी कि आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड से काफी सैडनेस की फीलिंग आती थी। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ वॉक पर निकले और वहां उन्होंने डैफोडिल्स को देखा। इस पोएम की हेल्प से पोएम ने अपनी फीलिंग्स को शेयर करा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था डैफोडिल्स को देखने के बाद। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्डर्ड लॉन्गली एज अ क्लाउड दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वॉन्डर्ड मीन्स रोमिंग विदाउट एनी पर्पस और एनी वैलिड रीजन। अगर हम कहीं भी बिना किसी रीजन के घूम रहे, यानी कि बिना किसी एम के इधर उधर घूम रहे, उसे हम वॉन्डर्ड कहते हैं। तो इस लाइन की हेल्प से पोएट ने अपना कंपेरिजन जो है वो क्लाउड के साथ किया है। जैसे कि क्लाउड कभी वेल्स पे और कभी हिल्स पे, यानी कि कभी घाटियों पे और कभी हिल्स पे इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरीके से पोएट बिना किसी एम के इधर उधर घूम रहे। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। तब पोएट जो है वो एक क्राउड देखते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्राउड है और वो क्राउड है डैफोडिल्स की। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ लेक है और यहाँ जो है वो डैफोडिल्स है, यानी कि लेक के बगल में डैफोडिल्स है। एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे काफी ट्रीज है और उसके नीचे जो है ये सब डैफोडिल्स है, यानी कि पोएट बता रहे हैं कि कुछ डैफोडिल्स जो है वो लेक के बगल में है और कुछ डैफोडिल्स जो है वो पेड़ के नीचे है। तो पोएट यहाँ बताते हैं कि ये जो डैफोडिल्स है वो हल्की हवाओं में ऐसे झूम रहे हैं जैसे कि वो डांस कर रहे हो। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। यहाँ पोएट बताते हैं कि जैसे हमारे मिल्की वे में हम जहां तक देखें बस हम स्टार ही स्टार दिखते हैं, चमकते हुए ट्विंकल करते हुए स्टार दिखते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से पोएट जहां तक देख पा रहे थे उन्हें बस डैफोडिल्स ही दिख रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। हियर बे मीन्स लेक शोर, दैट मीन्स लेक का जो किनारा था। तो यहाँ पोएट बताते हैं कि डैफोडिल्स जो है वो ऐसे फैले हुए थे मानो उनका जो लाइन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला हो, और वो लेक के शोर पे यानी कि लेक के किनारे पे वो जहां तक पोएट देख पा रहे थे उन्हें बस डैफोडिल्स ही दिखाई दे रहे थे। 10,000 saw I at a glance tossing their head in sprightly chance। यहाँ पोएट बताते हैं कि वो एक बार में लगभग 10,000 डैफोडिल्स को देख सकते थे जो कि हवाओं में अपना सर हिला के डांस कर रहे थे। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। इस लाइन की हेल्प से पोएट ने कंपैरिजन करा है लेक में जो वेव्स उठ रही हैं उनका और डैफोडिल्स का डांस का, जिसमें उन्होंने बताया है कि वैसे तो लेक में जो वेव्स उठते हैं उन्हें देखना बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आज डैफोडिल्स के डांस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अगर उन दोनों का कंपैरिजन करें तो डैफोडिल्स का डांस देखना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे मींस हैप्पी। ओके, इन सच अ जोकांड कंपनी, जोकांड मींस चीयरफुल, यानी कि पोएट के पास इस चीयरफुल कंपनी को एंजॉय करने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा, यानी कि उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं दिख रहा जो कि इससे ज्यादा खुशी उन्हें दे सके। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट। यहाँ पोएट बताते हैं कि वो बस डैफोडिल्स को देख रहे थे और देखे ही जा रहे थे, और वो थोड़ा सोच रहे थे कि आखिर क्या ऐसी हैप्पीनेस है, ऐसी क्या खुशी है जो कि डैफोडिल्स उन्हें दे रही है जिसकी वजह से वो इतने खुश हो रहे हैं। फॉर ऑफ विन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मोड। हियर ऑफ रिफर्स ऑफ इन एंड पेंसिव मोड रिफर्स थॉटफुल मोड।
यहाँ पोएट बताते हैं कि जब भी वो अपने खाली दिमाग में ये सोचते हैं और वो अपने काउच पर लेटते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. लिसनर्स, परफेक्ट हैप्पीनेस. यहाँ पोएट बताते हैं कि जब भी वो खाली दिमाग में अपने काउच पर लेटकर सोचते हैं तो उनके आंखों के सामने जो है वो डैफोडिल्स की पिक्चर फ्लैश होती रहती है. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ चीज जो हमें अच्छी लगती है वो अगर हम अकेले सोचते हैं तो उसकी पिक्चर जो है हमारी आंखों के पास काफी टाइम फ्लैश होती है. तो जो डैफोडिल्स की पिक्चर है वो ठीक उसी तरीके से पोएट के आंखों के सामने बिल्कुल फ्लैश हो रही है, और जो कि उन्हें सॉलिट्यूड मींस लोनलीनेस, जो कि उन्हें अकेलेपन में भी परफेक्ट हैप्पीनेस दे रही है, उन्हें काफी खुशी दे रही है. एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल. और पोएट यहाँ बताते हैं कि उनका जो हार्ट है वो काफी प्लेजर से फिल हो जाता है, वो काफी खुश हो जाते हैं और वो ऐसा इमेजिनेशन करने लगते हैं कि वो भी उन डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम एंड आई एम थिंकिंग दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.